हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल की ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और फर्स्ट वीडियो अक्टूबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर 2022 में बहुत सी चर्चित घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका एक एक क्वेश्चन अक्टूबर 2022 से बिल्कुल कवर हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आने वाले एग्जाम में अक्टूबर 2022 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ड्राइवर या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, PSSSC वीडियो या और भी किसी अन्य स्टेट एग्जाम के लिए जिसमें भी करंट अफेयर्स आती हो, उन्हीं उन सब के लिए ये वीडियो बराबर रूप से कारगर साबित होगी। ये ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और जिसमें से केमिस्ट्री का नोबेल जो है तीन व्यक्तियों को दिया जाएगा। पहले व्यक्ति उनमें से हो जाते हैं के मोर्टन मेंडल, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। दूसरे हैं बैरी शार्पलेस, जो ऑस्ट्रिया से आते हैं। और तीसरे हो जाते हैं कैरोलिन बटर्जी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात इन तीनों को ही केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2022 के अंदर। और जब हम केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार नोबेल पुरस्कारों का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं, ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं और कौन सा क्षेत्र कब जुड़ा था। तो जैसा आप जानते ही होंगे, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार था वो 1969 में दिया गया था। और आपको ये भी बता दूं, इन तीनों को जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है कि 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये आपको बताना है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन तीनों को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो अगर बात करूं 68वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह की, तो ये 2 से 8 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है। पेगाट्रन जो कंपनी है वो ताइवान की एक कंपनी है और इस कंपनी ने भारत के एक शहर में आईफोन का निर्माण कार्य हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। तो वो शहर हो जाता है आपका चेन्नई, अर्थात चेन्नई में आईफोन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और फ्रेंड्स, आपको इसके साथ ये भी जानना चाहिए कि पेगाट्रन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार बन गई है जो आईफोन का निर्माण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड ने हाल ही में किसी राज्य को 222 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो वो कौन सा राज्य हो जाता है, वो है आपका पंजाब राज्य। अर्थात पंजाब राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नाबार्ड ने पंजाब को 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अगर बात करूं नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगर नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछता है तो आपको बताना है 1982 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष हो जाते हैं इसके GR चिंताला अर्थात गोविंदा राजुलु चिंताला। अगर मुख्यालय की बात करूं, तो मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई के अंदर हो जाता है। तो ये सब फैक्ट आपको नाबार्ड से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैजाबाद कैंट पड़ता था उसका नाम अब बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, तो क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 जो है ये एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है और 2022 में इसका खिताब जो है इंग्लैंड लीजेंड्स जीत चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, जीवन बीमा के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए इंश्योर इंडिया नामक अभियान किसने शुरू किया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंश्योर इंडिया नामक अभियान जो है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। और अगर HDFC की टैगलाइन वो आपसे पूछता है, तो HDFC की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये लाइन कई बार बैंकों में पूछ ली जाती है, तो जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये वीडियो बराबर साबित होगी। अगर HDFC बैंक की बात करूं, तो स्थापना तो 2000 में हुई थी और MD और CEO हो जाते हैं विभा पडलकर। अगर मुख्यालय आपसे पूछता है, HDFC बैंक का मुख्यालय जो है आपका मुंबई के अंदर हो जाता है।
तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अगर उपचुनाव आयुक्त आपसे पूछता है तो आपको बताना है अजय भादु जी को भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इसी के साथ आपको थोड़ी बहुत जानकारी भारत निर्वाचन आयोग से भी होनी चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे हो जाते हैं राजीव कुमार। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको जैसा कि पता ही है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात कर रहा है, इसका खिताब जो है सर्जियो पेरेज जीत चुके हैं जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं और रेड बुल को ड्राइव करते हैं। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पिछले साल भी कई बार ये क्वेश्चन चर्चाओं में रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ से ध्यान देना, लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। ऐसा कौन सा शहर है? ऐसा शहर है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसे लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो ये तो बात थी स्वच्छ शहर की। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा जो है वो मध्य प्रदेश को ही दिया गया है, और अगर छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य आपसे पूछता है तो आपको बताना है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य रहा है। और अगर आपसे बात करूं भारत के तीन सबसे स्वच्छ शहर कौन से हो जाते हैं, तो पहले स्थान पर तो आपको जैसा पता लग ही गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, और दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई आ जाता है। और ये रिपोर्ट जो है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की रिपोर्ट जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल जारी की जाती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सुजाऊ लाल थाउसेन। इनके पास जो है अतिरिक्त प्रभार है CRPF का, और यहाँ से आपको CRPF के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना जो हुई वो 27 जुलाई 1939 को की गई थी, अर्थात जब आपका दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तभी CRPF की स्थापना की गई, और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। अगर महानिरीक्षक की बात करता हूँ तो PS रानी पसे CRPF के महानिरीक्षक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में SSC CHSL का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100% डिजिटल साक्षरता पाने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो 100% डिजिटल साक्षरता पाने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत हो जाती है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, जो कि आपके केरल राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ उसी राज्य ने किया है जिस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के मध्य शुरू की गई है? तो जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये वही ट्रेन है जिसकी टक्कर जो है भारतीय भैंस से लग चुकी है, और 2-3 बार ये टकरा चुकी है, और आप इसका हाल यहाँ से जानकर देख सकते हो। तो भाई भारत के लोग तो हैं ही सॉलिड, लेकिन भारत की भैंस भी कुछ कम नहीं है, तो इससे भी टकराने का प्रयास कोई ना करे। तो जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपकी गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाई गई है, इन दो शहरों के मध्य ही यह सेवा शुरू की गई है। तो इसी के साथ जब आपने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पता कर लिया तो पहली और दूसरी दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अन्य नाम आपसे पूछेगा तो आपको बताना है T18 अर्थात T18 इसका एक अन्य नाम हो जाता है। और अगर बात करूँ देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, नई दिल्ली से बनारस तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट निर्धारित किया गया था। इसी के साथ दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई? तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन जो है राजस्थान राज्य के अंदर किया गया है हाल ही में, 1 अक्टूबर की यह घटना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से की गई? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में 5G बहुत चर्चा में रहा था और जगह जगह पर 5G के तार जो है बिछाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। तो 5G सेवा की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 से ही शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो अंबेडकर ए लाइफ जो है कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी की रचना हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का जो उपाध्यक्ष है वे अनिल कुमार जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? ये जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है इसका नाम हो जाता है प्रचंड, जिसे हाल ही में वायुसेना के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी जी को ही चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है और ये पंकज त्रिपाठी वही हैं जिन्हें आप कालीन भैया के नाम से भी जानते हो, मिर्जापुर वाले कालीन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो जैसा कि आप फोटो से भी पहचान कर सकते हो, अपने चीकू भैया अर्थात विराट कोहली जी जो हैं T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 की बात कर रहा है तो ये खिताब जो है अमेरिका जीत चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ध्यान से पढ़ना, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात हो रही है। अगर वो आपसे रामानुजन पुरस्कार 2022 पूछता है तो आपको बताना है नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लेकिन क्वेश्चन में इस बार यहाँ पर आपसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात हुई है तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के अंदर युनकिन टैग जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे भी जितने वीडियो आएंगे एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाली है बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं, तो हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीत लिया है? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जो है इंडिया लीजेंड्स जीत चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन में जहां भी इंडिया लीजेंड्स आपको दिखाई दे आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अजमेर में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, एक होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस जिसे आप बोलते हो, वो मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। लेकिन इस बार पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो सितंबर से जस्ट अगले महीने में ही 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि शिक्षक दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि 2022 में एंजेला मर्केल जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए मुमताज खान जी को चुना गया है। और अगर इसी अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया है, वो चुने गए हैं PR श्रीजेश जी को। और यहां से तो आपने क्लियर किया वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज खान जी को चुना गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? वे बने हैं हरमनप्रीत सिंह। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? आप सभी को इस क्वेश्चन से रूबरू होना चाहिए कि हाल ही में भारत ही चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा चीनी उगती भी भारत में ही है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहीं पर होती है। तो भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है 2022 के अंदर डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और यहाँ से आप देख सकते हो 31वां व्यास सम्मान 2022 के अंदर दिया गया है किसे, असगर वजाहत जी को। और किस नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए ये पुरस्कार असगर वजाहत जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, गति शक्ति पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य ने ही सबसे पहले गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भी गुजरात के भावनगर जिले में ही लॉन्च किया गया था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीत लिया है, तो ईरानी कप 2022 का खिताब जो है शेष भारत की टीम जीत चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी समुदाय है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 15 अक्टूबर तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन हुआ है, तो जैसा कि आप सभी को पता है स्फूर्ति मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और स्फूर्ति मेले का आयोजन 1 से 15 अक्टूबर 2022 के अंदर नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पीएससी की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, तो किस बैंक ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किया है, दक्ष मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात बैंकों का बैंक भी इसे आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और कमेंट में आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई और किस समिति की सिफारिश पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, 30वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है पूजा पटेल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो 9 अक्टूबर 2022 को किस गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखवा के रख लो, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में ये क्वेश्चन बड़ा ही चर्चा में था। गुजरात का मोडेरा गांव जो है देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताऊं, तो हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, तो ये अध्यादेश जो है तमिलनाडु के अंदर लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो पहले ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन जो है आपका चेन्नई शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है, तो अगर बात करूं भारतीय सड़क कांग्रेस और 2022 में कौन सी सड़क कांग्रेस हुई है 81वीं, कहां पर आयोजन हुआ है, लखनऊ के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और वे कौन थे, चिकित्सक थे, अभिनेता थे, खिलाड़ी थे या राजनेता थे, तो जैसा कि आप सभी जानते हो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो चुका है और ये एक राजनेता थे, तो इनकी डेट भी आपको याद रखनी है और इनका ऑक्यूपेशन भी आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहां पर किया गया है, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम, इसका लोकार्पण जो है राजस्थान के राजसमंद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 2018 यूपी कॉन्स्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अब भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो फ्रेंड्स जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इनको जो है पद की शपथ दिलाई जा चुकी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन अक्टूबर में कंसीडर किया गया है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसे ही प्रस्तुत होगा कि 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो ये हो जाते हैं आपके न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और चूंकि ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं इस दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं रोजर बिन्नी, और यहाँ से आप इनकी फोटो देखकर पहचान कर सकते हो। अगर बीसीसीआई की आपसे बात करूँ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना जो है 1928 में की गई, मुख्यालय मुंबई के अंदर हो जाता है, और अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया रोजर बिन्नी को बना दिया गया है, और सचिव जो है शाह के सुपुत्र जय शाह हैं, और उपाध्यक्ष की अगर बात करता हूँ तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हो जाते हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बनी है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है भारती दास, और सीजीए का पद जो होता है वो केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाह देने का होता है, अर्थात केंद्र सरकार के जितने भी अकाउंटेंसी रिलेटेड मामले हैं उन पर सारी जो प्रधान सलाह देगा वो लेखा महानियंत्रक ही देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज का 50वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोनों ही हिंदी भाषा में शुरू कर दी है, किसने? मध्य प्रदेश ने। तो इसी के साथ ये भारत का पहला राज्य बन जाता है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके लिए ये तीन फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसीलिए वे इसके संस्थापक कहे जाते हैं। अगर मुख्यालय की बात करता हूं तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? और फ्रेंड्स, जितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जो है आपका 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और 2022 में इसकी थीम जो रही वो थी रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये ऋण जो है आंध्र प्रदेश को दिया गया है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किस परियोजना के तहत? साल्ट परियोजना के तहत, और कई बार इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है तो आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? तो अगर बात करूं पहले गांधी संग्रहालय की तो ये आपका अमेरिका के अंदर खुल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के राजकोट स्थान पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन जो है गुजरात के ही एकता नगर नामक स्थान पर किया गया है, और जैसा कि आप यहां से फोटो देखकर पहचान कर सकते हो भारत के केंद्रीय कानून मंत्री कौन हो जाते हैं? किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करता हूं तो इस बुक की पहचान आपको करनी है, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राजेश तलवार, साहिल सेठ, जीवेश नंदन, अमृता प्रीतम। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज क्वेश्चन हो जाता है, जवाब आप सभी को देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात साहिल सेठ ने ही एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं अरमाने गिरिधर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IPL के नए अध्यक्ष जो हैं अरुण सिंह धूमल जी को बनाया गया है। और अगर IPL की आपसे बात करता हूं, स्थापना जो है IPL की 2007 में हुई, लेकिन IPL का पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और प्रायोजक कंपनी थी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप का खिताब जीत चुका है भारत 2022 के अंदर, और किसे हरा कर जीता? श्रीलंका को हरा कर जीता है। तो इसलिए उपविजेता कौन हो जाता है? श्रीलंका। और कहां पर आयोजन हुआ, किसका? क्रिकेट महिला एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है, और संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था, और 7वीं बार जो है भारत जीत चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है?
तो सशस्त्र बलों की बात हो रही है, अर्थात अपने डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। और जहां बात डिफेंस सिस्टम की हो, तो अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह। तो माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट को भी राजनाथ सिंह जी ने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अर्थात इससे आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंटरपोल की जो 90वीं महासभा है 2022 के अंदर, इसकी मेजबानी जो है भारत ने की है। और अभी आपको इंटरपोल से संबंधित सारी जानकारी यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो इंटरपोल की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगर स्थापना की बात करता हूँ, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय जो कि फ्रांस के लियोन शहर में हो जाता है, और ये मुख्यालय से क्वेश्चन भी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर बात करता हूँ इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अहमद नजर अल रईसी। और इंटरपोल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195 सदस्य देश हैं इंटरपोल के। तो इतना फैक्ट आपको इंटरपोल से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है? तो हलीम डिश, जैसा कि आप सभी फोटो देख पा रहे होंगे, तो हलीम डिश जो है हैदराबाद की फेमस है, और यहीं पे इसने जीआई टैग का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा सरकारी विभाग शीर्ष पर रहा है? तो शिकायत निवारण सूचकांक, अर्थात शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायतों का निवारण किसने सबसे ज्यादा किया है, तो ऐसा विभाग हो जाता है UIDAI, अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका वही विभाग है जो आधार कार्ड वगैरह जारी करता है। अगर बात करूँ इस विभाग की स्थापना कब हुई, तो 2009 में इस विभाग की स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी ओर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो है दो वर्ग में दिया जाता है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, दोनों ही आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। एलेक्सिया पुटेलस जो कि बार्सिलोना की रहने वाली हैं, महिला वर्ग में इन्हें ही बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और अगर बात करूँ पुरुष वर्ग की, तो करीम बेंजेमा जो कि रियल मैड्रिड के रहने वाले हैं, इन्हें पुरुष वर्ग का बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 जीता है। इन्हों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के अंदर कुछ पुरस्कार और भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए, अर्थात अगर बात करूँ सबसे पहले कोपा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कोपा पुरस्कार से गवी को सम्मानित किया गया है, जो कि बार्सिलोना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है गर्ड मुलर पुरस्कार किसे दिया गया है, रॉबर्ट लेवांडोस्की को गर्ड मुलर पुरस्कार दिया गया है, और ये भी बार्सिलोना की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ यसीन ट्रॉफी किसे दी गई है, तो यसीन ट्रॉफी से थिबार्ट कार्टोइस को सम्मानित किया गया है, जो कि रियल मैड्रिड के रहने वाले हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 के अंदर क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करूं तो सुकरात अवार्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है इसके अंदर, सुकरात अवार्ड से सदियो माने को सम्मानित किया गया है, जो कि लिवरपूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई निदेशक जो है कौन बनाई गई है, तो मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई निदेशक बना दिया गया है। और अगर बात करूं कि स्थापना कब की गई थी, तो 2005 के अंदर इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय जो है इसका भी नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं, इराक के वर्तमान में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो ये कौन बने हैं, तो इराक के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद, जो कि आप सामने फोटो देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक जो है वो क्या रही है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूचकांक हो जाता है इस वर्ष का आप सभी के सामने, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हाल ही में भारत जो है इस सूचकांक को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है। इस बार भारत जो है पाकिस्तान से भी पीछे रह चुका है इस सूचकांक के अंदर। किस स्थान पर रहा, 107वें स्थान पर रहा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अंदर भारत। अगर बात करता हूँ पाकिस्तान या भारत के और भी पड़ोसी देश जो है, पाकिस्तान इसमें 99वें नंबर पर, श्रीलंका 64वें पर, बांग्लादेश 84वें पर, और नेपाल 81वें पर, म्यांमार 71वें स्थान पर रहे। तो आप देख सकते हैं भारत के सूचकांक में कितनी गिरावट आई है। अगर बात करूं इसी सूचकांक, यानी कि अगर बात करूं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही थी, तो 2021 में भारत की रैंक थी 101। अगर इसी रैंक को 2020 में आप लोग देखते हो, तो भारत की रैंक थी 94। इस सूचकांक में इस बार 17 देश ऐसे हैं जो टॉप पर रहे हैं, टॉप शीर्ष पर रहे हैं, जैसे चीन, तुर्की, चिली, उरुग्वे, बेलारूस, कुवैत, रोमानिया, सर्बिया, तुर्की आदि ऐसे ही देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, स्वीडन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो वे कौन बने हैं,
तो वुल्फ क्रिस्टेशन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और अगर बात करूं स्वीडन की राजधानी क्या हो जाती है, स्वीडन की राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम। मुद्रा अगर आपसे पूछे तो स्वीडिश क्रोना जो है स्वीडन की मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस लेखक ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा किताब के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है शेहान करुणा तिलक ने जीत लिया है, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। वो किस बुक के लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जैसा कि आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो, बंधन बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वे हैं सौरभ गांगुली। अगर बंधन बैंक की बात करूं तो स्थापना 2001 में होती है, मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर हो जाता है। मैं मुख्यालय में आपको कंफ्यूज करेगा नई दिल्ली और कोलकाता देकर, तो इसका ध्यान रखना है आपको। स्पेशली बंधन बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता के अंदर हो जाता है। अगर बात करूं बंधन बैंक के सीईओ कौन है, तो चंद्रशेखर घोष जी बंधन बैंक के नए सीईओ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2005-06 से लेकर 2019-20 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? तो वर्ष 2005-06 से और वर्ष 2019-20 के बीच 415 मिलियन गरीब लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। और ये डाटा जो है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इसकी रिपोर्ट भी वही लोग बनाकर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार 2022 से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? तो जैसा कि आप फोटो देखकर पहचान कर पा रहे होंगे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अणुव्रत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता है? तो AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 के अंदर हैदराबाद शहर जीत चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत जो है गुजरात के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है आपका प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बड़े राज्यों की अगर बात करूं तो शीर्षतम राज्य रहा है हरियाणा, दूसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु और तीसरे पर रहा है केरल। लेकिन अगर आपसे वो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पूछता है तो छोटे राज्यों में सिक्किम राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो यहाँ से आप इतना फैक्ट याद रखकर जरूर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली के अंदर कराया गया है। और इसकी थीम रखी गई थी इंडियन कोयल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्ष 2022 के क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा राज्य है आपका तमिलनाडु, जिसने क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने विभागों आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए ई मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ई मॉनिटरिंग नामक ऐप को लॉन्च करने वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है आपका नई दिल्ली, जिसने अपने विभागों आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए ई मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात जिसे आप इसरो भी बोल सकते हो, इसने यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वैनबैब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये किया है इसने GSLV मार्क 3 के द्वारा। और GSLV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो पांचवा दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका जयपुर के अंदर। और थीम रही है इसकी फॉसिल फ्यूल डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 3रा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव आयोजित किया गया है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इनकी मेजबानी करने वाला है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे।
नामक किताब के लेखक कौन हैं। तो ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है द मोस्ट से लेकर प्रेजेंट डे तक, ये एक किताब का नाम है और इस किताब के लेखक हो जाते हैं लुसियानो वर्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो किसानों का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था हाल ही में, जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, टेनिस टूर्नामेंट सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 के अंदर महिला एकल का खिताब इगा स्वास्टिक ने जीत लिया है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। और इसी के साथ अगर पुरुष एकल की बात करता हूँ, तो पुरुष एकल का खिताब जो है ब्रेडन नक्शेमा ने जीता है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और यदि आपसे पूछता है कि पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, तो नथनियाल लेमेंस और जैक्सन विथ्रो दोनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। और अगर बात करूं सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। और अगर वो आपसे पूछता है महिला युगल का खिताब इसमें किसने जीता, तो कोको गाफ और जेसिका पुगेला दोनों अमेरिका की रहने वाली हैं, दोनों ने ही महिला युगल का खिताब जीत लिया है। तो सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, वे सभी आप यहाँ पर आराम से क्लियर कर चुके हो। उम्मीद करूंगा अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे छपर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई है अपूर्व श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है, और ये एक अमेरिकी इतिहासकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है वजाहत हुसैन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मेजबानी जो है 2023 के अंदर कतर करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, और 2022 के अंदर इसकी मेजबानी बांग्लादेश ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करके जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो GI महोत्सव 2022 का आयोजन जो है आपका वाराणसी में किया गया है, और वाराणसी को जैसा कि आप सभी को पता है घाटों का शहर भी कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इस परियोजना का शुभारंभ जो है गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और थीम जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस वर्ष की थीम जो है वेरी इंपॉर्टेंट रही है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से किसे किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 जो है वो IIT मद्रास ने जीता है, IIT मद्रास को ही इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी है, तो आपको बताना है ये दीसा एयरबेस जो है वो किस स्थान पर है? तो गुजरात के बनासकांठा नामक जगह पर दीसा एयरबेस है, वहीं पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए इस एयरबेस की स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जन योजना अभियान 2022 का आयोजन जो है पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, पंचायती राज मंत्रालय ने ही इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो आज का 100वां क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुन लिया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत देश को ही दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, किस भारतीय बासमती चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है? तो इंडिया गेट नामक बासमती चावल है, जिसे विश्व के नंबर 1 बासमती चावल के ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है?
तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 की अगर बात करता हूँ तो इसमें लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी आप सभी को बतानी है और भारत जो है इस सूचकांक के अंदर 41वें स्थान पर रहा है। और अगर बात करूँ सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो सबसे अंतिम स्थान पर रहा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो लीड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो लीड्स की फुल फॉर्म हो जाती है लॉजिस्टिक एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाला मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी एशिया देशों के शिक्षा मंत्रियों का 6ठा शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो पूर्वी एशिया देशों के शिक्षा मंत्रियों का 6ठा शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर आयोजित हुआ है वियतनाम के हनोई में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSMR-6 का 7वां संस्करण किन देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे IBSAMAR, इससे ही आपको इन देशों का पता लग जाएगा। आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका और मार से मैरिटाइम। तो यहां से आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरिटाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य यह अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो कुवैत के अंदर भारत के नए राजदूत जो हैं वे आदर्श स्वीका जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कंपूरा नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कंपूरा नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन IIT गुवाहाटी के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिहंत का सफल परीक्षण किया गया है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण जो है पोत निर्माण केंद्र ने किया है जो कि विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम रही है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हॉलीवुड की दृष्टि से भी, किस देश के मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोबी कोल्ट्रान का निधन हो गया है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे जिसने भी हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी उसमें ये व्यक्ति जो है रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाता है और इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। ये जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और इनका नाम हो जाता है रोबी कोल्ट्रन। तो ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इनका नाम और इनका देश ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू कर दिया है, तो मुंबई एयरपोर्ट ऐसा है जिसने 100% हरित ऊर्जा स्रोतों से अपना परिचालन जो है स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम जो है गूगल कंपनी का हो जाता है और गूगल कंपनी ने ही इस प्रोग्राम को भारत में लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली और भारत और एशिया की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है KP अश्वनी। और UNHRC की अगर आपसे बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो जाता है और अध्यक्ष जो है इसके फेडरिको विलेगास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो 2022 के अंदर UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी भारत ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस बार जो है इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसने की थी, एस जयशंकर ने की थी, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी UNSC के बारे में जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो आज जान लो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 1945 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। USA के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर हो जाता है और कुल 15 देश सदस्य हैं और सदस्यों से हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 देशों में से 5 देश ऐसे हैं जो कि इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर बात करूं 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो वर्षों से ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि UNSC के 5 स्थायी सदस्य कौन से हो जाते हैं, तो ये हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो उम्मीद करूंगा आपको UNSC से बनने वाले सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है,
तो यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स, जिसे आप यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी बोलते हो, इसका खिताब जो है 2022 के अंदर मैक्स वेरस्टैपन ने जीत लिया है, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, जिन्हें हाल ही ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया गया है। और अगर बात करूं ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो जाती है, मुद्रा इसकी पाउंड स्टर्लिंग हो जाती है। और अब आपको कमेंट में बताना है कि ऋषि सुनक जो है किस पार्टी के नेता हैं, किस पार्टी से इनको ब्रिटेन का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंथिया मैक कैफरी, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, इन्हें ही यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो जैसा आप सभी जानते होंगे, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। 2022 में इसकी थीम रही बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप नामक ऐप लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने कुंजप नामक ऐप को लॉन्च किया है, और इस ऐप के द्वारा ही बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को रोका जा सकेगा, इसीलिए इस ऐप की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। इनमें से एक ऐसी जगह है जहां पर थोड़े से पटाखे पटकते ही बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाता है, और ऐसी जगह आप सभी को पता होगी, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने ही इस अभियान का शुभारंभ किया है कि दिया जलाओ पटाखे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2023 के अंदर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाना है फिजी गणराज्य के नाडी शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये चीन के रहने वाले हैं, जिन्होंने डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इनका नाम हो जाता है शी यूकी। और अगर बात करूं महिला एकल का खिताब जिसने जीता है, तो वे भी चीन की ही रहने वाली हैं। यहाँ से आप अन्य विजेताओं की सूची भी देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है डेनमार्क ओपन का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये हुआ था डेनमार्क के ही अंदर। अगर महिला एकल की बात करता हूँ, ही बिंग जियाओ ने महिला एकल का खिताब डेनमार्क ओपन में जीत लिया है। और अगर महिला युगल आपसे पूछ लेता है, तो चेन किंग चेन और जिया इफान, जो कि चीन की ही रहने वाली हैं, दोनों ने महिला युगल का खिताब जीत लिया है। अगर बात करूं डेनमार्क ओपन 2022 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्डियांतो, दोनों इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। अगर बात करता हूँ मिश्रित युगल का खिताब इसमें किसने जीता है, तो झेंग सिवई और हुआंग याकियोंग, दोनों चीन के रहने वाले हैं, दोनों ने डेनमार्क ओपन 2022 के अंदर मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। तो इतना फैक्ट आपको डेनमार्क ओपन 2022 से याद रख के चलना है। अगर आपसे डेनमार्क ओपन 2022 से कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करूँ आप उसको बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जक्से शाह जी को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर बात करूँ QCI की, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जैसा आप सभी जानते होंगे, जिस दिन आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आपका विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को ही आपका 2022 के अंदर 7वां विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम रही है टुगेदर वी एंड पोलियो, यानी कि हम सब एक साथ पोलियो को मिलकर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो जैसा आप सभी जानते होंगे, गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है, ये एक वायुसेना का युद्ध अभ्यास हो जाता है, और हर वर्ष ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी गरुड़ 2022 भी भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन जो है राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। और कौन सा संस्करण था? गरुड़ 2022 युद्ध अभ्यास का इस बार 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी के तहत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो जिसने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी के तहत अपना पहला स्थान हासिल किया है, ऐसा राज्य है वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश। और इस रिपोर्ट में आपको तीन शीर्ष राज्य भी ध्यान रख के चलने हैं, जैसे कि पहले स्थान पर इसमें उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश रहा, और तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु ने अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है?
तो जलवायु परिवर्तन पर होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के अंदर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, वेतन रुझान सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? तो ये की गई है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेतन में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश भी आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि दर को दर्ज करने वाला देश है भारत, जो कि 4.6% है। और इसके बाद आता है वियतनाम, जिसने 4% वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद आता है चीन, जिसने 3.8% वेतन में वृद्धि जो है दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर मैं भी सुभाष अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान जो है जमयंग शेरिंग नामग्याल ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है? तो इस बार आपसे तीसरा राज्य पूछ रहा है कि तीसरा शीर्षतम राज्य कौन सा है। तो ऐसा राज्य है गुजरात, जिस घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंतन शिविर 2022 बैठक को कहां पर संबोधित किया है? तो चिंतन शिविर 2022 का आयोजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के सूरजकुंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहीं पर पुलिस बलों के आधुनिकीकरण यानी कि पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात हुई है कि किस प्रकार से हम पुलिस बलों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोने का आयात करने वाला भारत का पहला स्वर्णकार कौन सा बन गया है? तो ऐसा स्वर्णकार आपको बताना है जिसने आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है। तो ये हो जाता है आपका मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ना ही तो तनिष्क था, ना ही कल्याण ज्वेलर्स है, और ना ही सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 2022 के अंदर 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अमन सहरावत जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेडबुल के सह संस्थापक और रेडबुल फॉर्मूला वन रेसिंग टीम के संस्थापक डिटरिच मास्चिट्स का निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं, ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आम लोगों को मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 30 ग्राम तक भांग खरीदने और रखने की अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये है आपका जर्मनी देश, जिसने आम लोगों को मनोरंजन के लिए 30 ग्राम तक भांग खरीदने और उसको अपने पास रखने की अनुमति दे दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफी लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट कुमाऊन नामक पुस्तक को किसने संचालित किया है? तो इस पुस्तक को संचालित करने वाले दो लोग हैं, स्टीफन आल्टर और अक्षय शाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो चीन को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन बन गया है? तो हाल ही में चीन को पछाड़ा है नीदरलैंड ने, और इसी के साथ नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, तो किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शेफाली जुनेजा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है, और ये किस देश के रहने वाले थे? और बड़ी ही अजीब बात है, इनकी मृत्यु जो है नहाने के कारण हुई है। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ आप कितने दिनों तक बिना नहाए गुजार सकते हो, आप कहोगे सर 2-3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा ज्यादा आप 1 साल कह दोगे। ये व्यक्ति ऐसा था जिसने 60 साल तक स्नान नहीं किया, और जब स्नान किया तो इसकी मृत्यु हो गई, और ये रहने वाला था ईरान का। तो अब आप देख सकते हो दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस व्यक्ति को ध्यान में जरूर रखना है आप सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर वेतन देने की घोषणा किसने की है? तो ये न्यूज हाल ही में चर्चा में थी, आपने भी सुनी होगी। बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने ही यह घोषणा की थी कि पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी के कारण किस देश को सकल घरेलू उत्पाद में आय का सबसे अधिक नुकसान हुआ है? तो ऐसा देश है भारत जिसे गर्मी के कारण सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में आय का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं विमल जालान जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने अक्टूबर माह के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी पूर्ण रूप से कवर कर लिए हैं। आपने देखा इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सम्मेलन और इत्यादि बहुत सी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है। और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे भी आपको इसी तरह से जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। तब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ देना, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।